Yes. हम लोग यूनिट 6 इंटरनेशनल रिलेशन एंड सिक्योरिटी पढ़ेंगे. इसमें पावर और एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर के बारे में अध्ययन करेंगे. सबसे पहले पावर के बारे में हम जानते हैं कि पावर क्या है. जैसा कि आप विदित हैं, पावर के बारे में आप लोग विज्ञान में भी पढ़े होंगे, तो वहाँ पे पावर का कुछ और अर्थ होता है. लेकिन हम जब अपने डिफेंस की स्टडीज में पावर के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसमें हम कुछ और पाएंगे. इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो देश हैं, चाहे वो मीडियम पावर हो, सुपर पावर हो या स्मॉल पावर हो, वो सब किसी न किसी रूप में शक्ति संचय करने का प्रयास करते हैं. ठीक है, वो ये चाहते हैं कि हम अपने देश को किस तरह तरीके से समृद्धिशाली बना सकें, संप्रभु बना सकें, और इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपनी भूमिका को का निर्वाह कर सकें. सभी राष्ट्रीय चाहते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं, चाहे वो छोटे राष्ट्र हों बड़े राष्ट्र हों, वो अपने भूमिका का निर्वाह करने का प्रयास करते हैं. तो इस तरीके से जो पावर होता है, शक्ति जो होती है, वो शक्ति एक प्राप्त करने का हर राष्ट्र को अधिकार होता है और वह किसी न किसी रूप में प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है. वो ये चाहता है कि विश्व मंच पे मतलब अग्रणी भूमिका निभाने वाले जो देश हैं उनके साथ मैं भी कुछ कर सकूं या कुछ करने की जिज्ञासा रखता है. यह पावर को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं. ये साइकोलॉजिकल पावर, इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर. तो सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजिकल पावर के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे कि साइकोलॉजिकल पावर क्या है, यानी मनोवैज्ञानिक शक्ति क्या है. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान जो मन स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है और इसी क्रिया को या इसी से संबंधित अध्ययन वाले विज्ञान को हम मनोविज्ञान कहते हैं. लेकिन जब हम डिफेंस स्टडीज के क्षेत्र में जाते हैं तो हम इसको एक शक्ति के नज़रिए से जोड़ के देखते हैं. तो इसमें कई चीज़ें आती हैं. जैसे सबसे पहले मनोवैज्ञानिक शक्ति में आपका आ जाएगा प्रोपोगंडा. ठीक है, प्रोपोगंडा क्या है? जिसे प्रचार का एक माध्यम होता है. इसमें राष्ट्र यह प्रयास करते हैं कि हम अपने प्रचार माध्यमों के द्वारा दूसरे राष्ट्रों पर दबाव बना सकें. उसमें क्या है कि जैसे जो भी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी को गेन करते हैं, गेन तो करते ही हैं. अगर जैसे एक उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया तो प्रचार के माध्यम से वो प्रयास करते हैं कि हम जो है इसको और ज़्यादा जितना भी हो सके प्रचार एवं प्रसार कराएं, ताकि दूसरे देश जो है या जो हमारे समकक्ष देश हैं या बड़े देश हैं उनसे हम सख्त संतुलन की स्थिति कायम कर सकें. तो इस तरीके से वो प्रचार के माध्यम से सख्त संतुलन की स्थिति को कायम करने का प्रयास करते हैं. और प्रयास करने के बाद वो हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से महत्वपूर्ण या अग्रणी भूमिका को निभा सकें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर. फिर जो सबसे बड़ा जो आप इसका उदाहरण पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास जो आणविक क्षमता है जो भी उसके पास, उसके बारे में तो किस अस्पष्ट नहीं है कि उसके पास किस तरह के वेपन्स हैं क्या है. लेकिन हाँ, इतना जो है उसका ये प्रोपेगेंडा ही है कि वो भारत को चुनौती देता रहता है. वो प्रोपेगेंडा के माध्यम से चुनौती देता है कि हमारे पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स है, और दूसरे नज़रिए से वो कहता है
कि हमारे जो परमाणु अस्त्र अस्त्र हैं, परमाणु अस्त्रों का जो भंडारण है, जहाँ भी हमने इसको जैसे रखा है, वह हमारे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वार पीरियड में या हमारे देश में जो आतंकवादियों के हाथ में वो जा सकता है, तो हमेशा इस तरह प्रचारित करता है। यानी वो खुद ये चाहता है कि हम न्यूक्लियर वार, मतलब थ्रेटनिंग देने का प्रयास करता है। लेकिन वह एक, चूँकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है एक तरीके से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में, और हमेशा वो मतलब थोड़ी सी नकारात्मक राजनीति करता रहता है, तो हमेशा वो जैसा कि उसके जो मिनिस्टर है शेख रशीद, शायद नाम सुने होंगे, मीडिया वाले उनको शेख चिली के नाम से भी अक्सर गा के पुकारा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास आधा किलो पौने किलो और के बम है, और कभी कभी ये भी कहते हुए सुना जाता है कि पाकिस्तान के कुछ मिनिस्टर्स को कि ऐसे ऐसे परमाणु बमों को तो हमारे गली मोहल्ले में बच्चे खेल सकते हैं, तो हालांकि ये सत्य नहीं है, परमाणु बम से खेला नहीं जा सकता, एक छोटे पटाखे से भी नहीं खेला जा सकता है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है। तो इस पाकिस्तान जो है एक प्रोपेगेंडा का सहारा लेकर वह हमेशा जो है ये प्रयास करता है कि हम भारत को के खिलाफ सख्त संतुलन की स्थिति बरकरार रख सकें। तभी वो हमेशा कहता है कि हमारा जो परमाणु अस्त्र हमारे नियंत्रण में है वो आतंकवादियों के हाथ में या जिहादियों के हाथ में जा सकता है। और ये तो सही है कि चूंकि भय का जब वातावरण ये व्याप्त होगा तो कोई भी बड़ा राष्ट्र, ये चूंकि परमाणु बम की विभीषिका को झेल चुका है, देख चुका है, इसलिए भयभीत होना स्वाभाविक है। और ये प्रोपेगेंडा मात्र से ही भय पैदा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद मनोवैज्ञानिक युद्धों में मनोवैज्ञानिक तरीकों से जो प्रचार प्रसार है या जो ये मतलब शक्ति को जो सृजित किया जाता है उसका एक बहुत बड़ा माध्यम होता है ये कि हम प्रोपेगेंडा को ही लेके चले, और सबसे बड़ा हथियार प्रोपेगेंडा है। यानी पाकिस्तान के अलावा और भी ऐसे कंट्रीज हैं जो हमेशा प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हैं, जैसे चीन है, वो भी अगर अब उसके अगर मिजाइल्स की अगर मारक क्षमता जो भी कुछ होगी वो बढ़ा चढ़ा के बताएगा, या फिर जैसे 26 जनवरी को भारत जो है अपने शस्त्रों का प्रदर्शन करता है, आप लोग लाल किले पर देखे होंगे, तो भी एक प्रोपेगेंडा का ही हिस्सा होता है, क्योंकि वो हथियारों का प्रदर्शन क्या है, हम साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा प्रेशर आपके ऊपर डाल रहे हैं कि भारत के पास अग्नि है, भारत के पास त्रिशूल है, भारत के पास पृथ्वी है। अब तीनों मिसाइलों का नाम लिया गया है तो इसके बारे में भी आप लोग जान लें कि पृथ्वी मिसाइल क्या है, कोई बताए सरफेस टू सरफेस। हाँ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है पृथ्वी नाम है तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक, इसके बाद आता है अग्नि। अग्नि क्या है? सरफेस टू एयर। हाँ, जैसा कि अग्नि नाम है तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, और इसके बाद आता है त्रिशूल। त्रिशूल ये एंटी टैंक मिसाइल। हाँ, ये त्रिशूल जो मिसाइल है वो एंटी टैंक मिसाइल है, और इसको सबमरीन जो होता है उसको मतलब उसकी भी श्रेणी में आता है। त्रिशूल के कुछ जो मिसाइल्स हैं उस कैटेगरी में भी आते हैं। तो इस तरीके से जो जितने भी कंट्री हैं अपने प्रोपेगेंडा के द्वारा, प्रचार प्रसार के द्वारा यह लगे रहते हैं कि किसी न किसी रूप में हम इसको बढ़ावा दें जिससे कि भय उत्पन्न हो। यानी भय का जब वातावरण व्याप्त होगा तो एक सख्त संतुलन की स्थिति कायम रह सकती है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रचार माध्यमों के द्वारा हम शांति कायम रह सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपका हो गया मानव ज्ञान मनोवैज्ञानिक पावर, शायद स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति जो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो मैंने अभी बताया, छोटे राष्ट्र, बड़े राष्ट्र, मझोले राष्ट्र, ये सभी राष्ट्र जो है अपनी आर्थिक गतिविधियों पर जोर देते हैं, अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, अपने जीडीपी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर अपने आर्थिक स्थिति को अगर कोई मजबूत नहीं करेगा तो वह पिछड़ जाएगा, पीछे रह जाएगा। इसलिए अपने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं। जब उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रहेगी, मजबूत रहेगी, और तो वो किसी भी तरह के रेस में, जैसे आर्मामेंट रेस, हथियारों का खरीद फरोख्त, उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जिनके पास अगर वो कैपेसिटी नहीं रहती है तो किसी बड़े देश का सैटेलाइट बन जाते हैं या उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो चूंकि उनके उनसे जुड़े होने के कारण वो भी अपनी स्थिति को मजबूत कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिमाग में बार बार आ रहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिल्कुल पंगु है, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाला चीन, कि चीन जो है उसको आर्थिक सहायता से लेकर के हथियारों तक की सहायता उपलब्ध कराता है। चूंकि भारत भारतीय भूभाग के एक बड़े क्षेत्र को कब्जा कर रखा है, इसलिए कहीं ना कहीं उसको भी ये डर रहता है कि हो सकता है कि कभी भारत जो है अगर मजबूत हुआ तो हमारे इस क्षेत्र पर आक्रमण कर सकता है, इसलिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। प्लस वो चूंकि सीपेक का नाम आप लोग सुने होंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वह कॉरिडोर जो कि पाकिस्तान के रास्ते से जाती है और भारत की भी नज़र उस पर रहती है। अच्छा, भारत की नज़र उस पर इसलिए रहती है कि इसका जो एक आर्थिक क्षेत्र में ये जो बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, इसको किसी न किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए। और चीन भी ये प्रयास करता है कि किसी न किसी रूप में भारत को की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया जाए, और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए वह तरह तरह के गेम खेलता है। जैसा कि आप लोग कभी ये कोरोना वायरस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जाने होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस इसके बहुत बुरे मिले होंगे। तो हालांकि अभी यूनाइटेड नेशन द्वारा या किसी भी बड़ी संस्थाओं द्वारा इस बात को प्रमाणित नहीं किया गया है कि चीन जो है, जो कोरोना वायरस चीन के द्वारा जो फैलाया गया है, ये बायोलॉजिकल वेपन्स है, अभी इसके बारे में स्पष्ट नहीं है। लेकिन विश्व के बहुत सारे देश मतलब चीन पर यह आरोप लगाते हैं कि यह मानव निर्मित वायरस है, कृत्रिम वायरस है और चीन द्वारा जनित किया गया है। अब आप सोचें खुद कि यह वायरस ने विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक कर दिया, मतलब उसकी रेटिंग को निगेटिव कर दिया, जिसमें ये सभी देश प्रभावित हुए और भारत की भी जो अर्थव्यवस्था है वो भी जो है निगेटिव हो गई, नकारात्मक हो गई। अब इन दो सालों में आप खुद सोचें कि बहुत सारे देश जो है कितने बड़े मतलब उनके आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से राष्ट्र जो है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखते हैं, अपने राष्ट्रीय शक्ति के विकास के लिए और मजबूत बनाने के लिए अपने, कोई हथियारों का व्यापार करता है, कोई न्यूक्लियर मटेरियल का व्यापार करता है, कोई जिसके पास जो संसाधन है, जैसे चीन है तो चीन अपने इलेक्ट्रॉनिक का उसका बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और करीब करीब हमारे ख्याल से विश्व के कई ऐसे देश हैं जो चीन में अपना संयंत्र भी लगाए हैं। तो चूंकि चीन में लेबर सस्ता है और उनका प्रोडक्ट सस्ता है विश्व के मार्केट पर, इस वजह से वो अपना लगाए हैं।
तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राष्ट्र जो है अपने प्रयास में लगे रहते हैं कि हम किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना कुछ स्थान रख सकें, अपना प्रभुत्व कायम रख सकें। फिर आता है मिलिट्री पावर। जैसा कि नाम है मिलिट्री पावर, इससे स्पष्ट हो गया होगा कि सैन्य शक्ति जो है क्या है। सैन्य शक्ति राष्ट्र जो है अपने संप्रभुता को बचाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी सेना के संगठन को रखते हैं। उसमें तीनों सेनाओं का समूह होता है और उसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं। उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक कुछ राष्ट्र जो होते हैं ऑलरेडी वो मिलिट्री उनकी सत्ता ही संभाल लेती है, जैसे कई ऐसे देश हैं जैसे जहाँ प्रेसिडेंट रूल रहता है, जैसे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो होती है लेकिन ये है कि बीच बीच में वहाँ पर मिलिट्री रूल भी हो जाता है। जैसे सबसे पहले आपका अयूब खान राष्ट्रपति जियाउल्लाह और उसके बाद परवेज मुशर्रफ, तो विख्यात है आप लोग जानते होंगे लोगों के बारे में। तो इस तरीके से ये तानाशाही भी होती है। तो सैन्य सत्ता और लोक सत्ता, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। जहाँ लोकशाही है वह सेना जो है वह राजनीतिज्ञों के नियंत्रण में रहती है, जहाँ लोक सत्ता नहीं होता है वहाँ सेना आलीनाल होती है। क्योंकि इसीलिए पाकिस्तान को कहा जाता था कि अल्लाह आर्मी और अमेरिका, ये तीन चीज़ से पाकिस्तान चलता है। तो सैन्य शक्ति का तात्पर्य यह है कि राष्ट्र जो है अपने संप्रभुता को बचाए रखने के लिए, अपने को विश्व के राजनीति में संप्रभु रखने के लिए और सर्वाइवल के लिए अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करते हैं, ठीक है। उसमें अपनी आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवल फोर्स को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हैं। ये अपना मिलिट्री पावर हो गया। क्या कोई क्वेश्चन? इसमें अलाइज जैसे बनती है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वो भी क्या इसमें एंटी मिलिट्री पावर? ये बार सर, जैसे बहुत सारी ऑपरेशन बना लेते हैं कई सारी कंट्रीज मिलके अराइज हो जाती है एक साथ, तो वो भी इसके अंडर में आएगा मिलिट्री? हाँ, मिलिट्री अलाइंसेज होती हैं। जैसे मिलिट्री अलाइंसेज होती हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप जो है अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो बनाया, उसी तरीके से रूस ने वार्सा पैक्ट बनाया। तो इस तरीके से इनके जो अराइज होते हैं वो इनके साथ काम करते हैं। तो अच्छा, दूसरी चीज़ है कि खासतौर से विश्व जब दो ध्रुव में बटा, बाइपोलराइज हुआ, तो अपने अपने सुविधा के अनुसार देश जो है जुड़ते गए और कुछ लोगों को जैसे बहुत जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, मतलब ये तो सत्य है, ये सही भी है कि बड़े राष्ट्र की एक जिम्मेदारी बनती है कि जो छोटे और मझोले राष्ट्र हैं उनको आर्थिक सहायता दें। भारत ने अभी हाल ही में जब ये महामारी जब आया तो कई देशों को दवा और पीपी किट वगैरह ये सब सप्लाई किया, और भी देशों ने किया, भारत के साथ साथ और भी देशों ने किया। तो इस तरीके से जो जिम्मेदार राष्ट्र होता है वह अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह से निर्वाह करने का प्रयास करता है। और भारत को खैर एक जिम्मेदार राष्ट्र है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत में मतलब किसी तरह की कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है। चला गया अभी, जस्ट अभी गया, उसको बताया कि उसको लगता है कि हम लोग बंद करते हैं या उसको बताया।
वो आज कह रहा था ना कि आपको बंद कर देता हूँ। अब हम आते हैं नेशनल पावर पे, राष्ट्रीय शक्ति क्या है, ठीक है। तो नेशनल पावर इज ए की ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नेशनल पावर इज ए की कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशन, अमंग नेशंस, इन विच नेशन सीक्स टू सिक्योर इट्स डिजायर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि जो राष्ट्रीय शक्ति है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक कंपोनेंट है और शक्ति के लिए राष्ट्र जो है संघर्ष करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए, नेशनल पावर इज द कैपेसिटी ऑफ एबिलिटी of a nation with the use of which it can get its will obeyed by other nation. The national power is ability of a nation with the use of which it can get its will obeyed by other nation. It involves the capacity to use force or threat of the use of force over other nations. With the use of national power, a nation is able to control the behavior of other nations in accordance with one's own will. एक हॉटमैन है, अकॉर्डिंग टू हॉटमैन ऑफ डिफिनेशन चाहे तो नोट कर लें। नेशनल पावर, नेशनल पावर डिनोट्स द एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू फुलफिल नेशनल गोल। According to Battleford and Tinker, national power is that combination of power and capacity of a state which the state uses for fulfilling its national interests and goals. यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के लिए राष्ट्र जो है किसी न किसी माध्यम से शक्ति अर्जित करने का प्रयास करते रहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। सर मेरा क्वेश्चन, हाँ, साइकोलॉजिकल पावर से रिलेटेड प्रोपेगेंडा सर। हाँ सर, जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सर प्रोपेगेंडा दो तरीके से हो सकता है, इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। हाँ, और इंटरनली जो होगा उसको ये लोग एक्सटर्नली भी एक्सपोज करेंगे ताकि दूसरे देशों को पता चले कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल। बट सर जो ऐसे देश हैं जहाँ पे यूनिलेटरल प्रेसिडेंशियल रूल है
या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जो अपनी इंटरनल पॉलिसीज को डिस्क्लोज नहीं करते, वहाँ पर सर प्रोपोगेंडा इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पे किस तरीके से रोल प्ले करता है? वो ऐसा है कि जो भी मतलब नेशन है, जैसे हम चाइना का एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं कि चाइना जो है अपना जो भी खबर उसको प्रसारित करना होता है वो ग्लोबल टाइम्स के ही माध्यम से प्रसारित करता है, बाकी और किसी चीज़ का सहारा नहीं लेता है। तो जो सरकारी जो उनकी एजेंसी होती है वो क्या चीज़ बाहर जाना है और क्या चीज़ अंदर रहना है, ठीक है, उसी आधार पर वो अपनी अपने नेशनल इंटरेस्ट में वो पॉलिसी डिसाइड करते हैं। सर जैसे नॉर्थ कोरिया, हाँ, वहाँ की कोई न्यूज़ जल्दी बाहर नहीं आती, हाँ, तो सर वहाँ पर प्रोपोगेंडा इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे प्ले करता है? जैसे जो वहाँ का रूलर है किम जोंग उन, हाँ, सुनने में आया था पर उसकी डेथ हो गई थी, हाँ, लेकिन वो फिर भी जिंदा था, हाँ, तो वो भी एक प्रोपोगंडा का हिस्सा था, वो भी एक प्रोपोगंडा का हिस्सा था कि उसने मतलब इस चीज़ को, जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि उसने मतलब इसको प्रचारित प्रसारित कराया और अपने किसी खास जो कोई महिला थी कि ये जो है स्टेट ऑफ हेड मतलब होगी नॉर्थ कोरिया के, तो प्रचारित प्रसारित कराया उसने खुद कराया कि इसके बाद ये देखा जाए कि मतलब इम्पैक्ट क्या होता है इसका उत्तरी कोरिया के अंदर और उत्तरी कोरिया के बाहर। तो बहुत सारे नेशन तो इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे क्योंकि वो ऐसा तानाशाह है कि आप लोग उसके बारे में अध्ययन किए होंगे कि वो इस तरह का तानाशाह है कि अपने बहुत खास खास लोगों का उसने किसी को तोप से उड़वा दिया, तो कोई सुनने में आता था कि उसके स्पीच के दौरान अगर कोई छपकी लेता था तो उसको भी कहता था कि इसको गोली मार दो। तो इस तरह के जो तानाशाह हैं उनके बारे में बस यही कहा जा सकता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो उनके हित के लिए होता है उसको वो बाहर करते हैं, यानी किसी न किसी उनका एक सरकारी जो न्यूज एजेंसी होती है उसके माध्यम से उसको बाहर निकालते हैं, या जो जैसे जो नहीं होता है उसको बाहर नहीं करते हैं, उसको अपना इंटरनली उसको अप्लाई करते हैं। तो हम अब सेटिस्फाइड हो इसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर में ये दो तरह के मतलब एलिमेंट्स होते हैं इसमें, टेंजेबल और इंटेंजेबल, जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे पीजी वगैरह में, मूर्त तत्व और अमूर्त तत्व। मूर्त तत्व क्या होता है? सर टेंजिबल एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि क्वांटिटेटिव होते हैं, जिनको हम मात्रात्मक तौर पे गिन सकें या मतलब उनका थोड़ा आइडिया लगा सकें। इनटेंजिबल एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि आइडियोलॉजिकल होते हैं या साइकोलॉजिकल होते हैं, जैसे नेशनल विल, नेशनल कैरेक्टर, नेशनल मोरल, ये सब इनटेंजिबल एलिमेंट्स में आते हैं। तो जो मूर्त तत्व होता है, मूर्त तत्व को हम स्पष्ट और सरल भाषा में कह सकते हैं कि मूर्त तत्व वे तत्व हैं जो हमें दिखाई देते हैं, यानी जिनको हम देख सकते हैं या जो दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन अमूर्त तत्व वे तत्व होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। एक दिमाग में मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए हम लोग अगर नहीं आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अरे वो मूर्त रूप में दिखाई दे रहा है, तो मूर्त रूप में यानी वो एक दिमाग में एक खाका बनता है कि जो हम लोग यहाँ भारत में मूर्तियों का एक कॉन्सेप्ट है, तो एक खाका बनता है कि मूर्ति यानी जहाँ है तो उसी से वो हमारे ख्याल से मूर्त शब्द लिया गया होगा, और अमूर्त मतलब वहाँ नहीं। तो मूर्त तत्व होते हैं कि जो हमें दिखाई देते हैं यानी जिनको हम देख सकते हैं, जैसे जियोग्राफिकल फैक्टर है, भौगोलिक तत्व वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो इसके जो 5-7 तत्व हैं वो आप देख सकते हैं,
जियोग्राफी रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंटेंजिबल एलिमेंट्स में आएगा आइडियोलॉजी मॉरल लीडरशिप आइडियोलॉजी मॉरल हाँ देखो इंटेंजिबल एलिमेंट्स आइडियोलॉजी मॉरल लीडरशिप पर्सनालिटी और सोशल कोहेसिवनेस सामाजिक समरूपता कोहेसिवनेस सोशल कोहेसिवनेस और क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी जिनके माध्यम से यह पता चल सके कि ये हमें हमारे राष्ट्रीय शक्ति को मजबूती प्रदान होगा यानी कि पर्सनालिटी यानी हम लीडरशिप से ही रिलेटेड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जिसके पास हो सर हम सचिन तेंदुलकर को काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्या सचिन तेंदुलकर को क्या पर्सनालिटी में क्यों नहीं कर सकते हैं मतलब उनकी भी एक गुडविल है जो कि कैरी करती है समाज में बिल्कुल बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ भी नहीं जिसकी बनती है सचिन तेंदुलकर हमारे देश के भारत रत्न हैं और उनकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है प्लस उनके माध्यम से हम इंटरनेशनल रिलेशन को मजबूत करने में कामयाब हो सकते हैं मतलब चूंकि हमारा तो मेन मोटो है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बढ़ावा देना सेम चीज वैसे अभी जरूरत को रखकर है तो वैसे कौन ने वो कभी कभी इंटरनेशनल वो स्टेटमेंट दे देता है विदाउट बॉडी के नहीं पावर बट उसका एक इंफॉर्मेशन होता है उसका पे डिबेट छिड़ जाती है और दूसरी चीज़ है कि आप ये मत सोचिए कि मेरे पर्सनैलिटी का कोई मतलब नहीं है आपके पर्सनैलिटी का भी बहुत बड़ा मतलब है आप ये पीएचडी स्कॉलर हैं और आगे जाके आप प्रोफेसर बनेंगे ज्ञान और नॉलेज के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं वो जो आप काम करेंगे जो आप रिसर्च आज आप करने जा रहे हैं उसकी जो फाइंडिंग है वो देश के लिए समाज के लिए स्टूडेंट्स के लिए एक कनेक्ट मतलब एसेट्स तो आप खुद सोचें कि पर्सनालिटी जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे जो सैन्य नेतृत्व कर रहा है उसकी पर्सनालिटी या हमारे प्रधानमंत्री की पर्सनालिटी या हमारे गृह मंत्री की पर्सनालिटी नो ये आपकी भी पर्सनालिटी हो सकती है इट्स ओके अब हम आते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर पर भौगोलिक तत्व इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें amongst the element of national power amongst the elements of national power geography is the most stable tangible permanent and natural element
इम्पोर्टेंस एज ए फैक्टर ऑफ नेशनल पावर कैन बी जस्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट its importance as a factor of national power can be just from the fact that geopolitical scientist its importance as a factor of national power can be just from the fact that geography as the determinant of international politics. While describing the importance of geography, in international relations, Napoleon observed the foreign policy of a country is determined by its geography. Geography is, however, neither an independent determinant of national power. However, neither an independent determinant of national power nor of foreign policy, it is just an element of power. ज्योग्राफी का जहाँ तक प्रश्न है तो ये किस तरह से हमारी राष्ट्रीय शक्ति को मजबूती प्रदान करती है, आप ये देखते होंगे कि एक एग्जाम्पल हम हिमालयन रीजन से ले लेते हैं। वह विंटर सीजन में हमारे देश को एक तरीके से कवर की भूमिका निभाती है। गर्मी में होते घुसपैठ वगैरह होता है, लेकिन विंटर सीजन में बर्फ इतने ज़्यादा गिरे रहते हैं कि बाहर की शक्तियों का घुसपैठ हो जाना असंभव हो जाता है। यानी इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी पाकिस्तान से और भारत से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो ऐसे समय में हुआ है कि जब मौसम साफ रहा, यानी बर्फीला वातावरण रहा और प्लस जो जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये हमें कवर एंड कैमोफ्लेज प्रोवाइड कराती हैं। तो सेना को ठीक तरीके से आर एवं छिपाव मिलता है। आर छिपाव गोपन के बारे में आपने अध्ययन किए होंगे, ये ज्योग्राफी के ज्योग्राफिकल फैक्टर के कारण ही होता है। वहाँ पर उनको बंकर वगैरह बनाने का भी एक अच्छा मतलब बेस मिल जाता है कि हम बंकरों में रहते हैं। आप चूँकि जहाँ मतलब पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ देखेंगे कि सेना ज़्यादा अपने को सेफ महसूस करती है, क्योंकि उनके छिपने के स्थान हैं तथा जंगलों में वो आप देखे होंगे कभी कभी टीवी पर या कहीं और भी देखे होंगे, फिल्मों में देखते होंगे कि एक सोल्जर जो है पूरी तरीके से ऐसे चलता है कि जैसे लगता है कि पूरा एक कोई वृक्ष खड़ा है, तो उस तरीके से मतलब वो अपने को कवर कर लेता है। तो ये भौगोलिक स्थिति के कारण ही होता है और भूगोल की ही वजह से जैसे हम एक मैप का भी निर्माण कर लेते हैं और हम उस पर अपना जैसे कि मैप रीडिंग वगैरह हम लोग चूँकि डिफेंस के विद्यार्थी रहे हैं, आप लोग भी रहे हैं अभी हैं भी, तो आप लोग जैसे कि मैप रीडिंग पढ़ते हैं तो मैप रीडिंग में भी आप देखे होंगे कि हम 1 inches to 1 mile या 1 mile to 1 centimeter इस तरह का मैप बनाते हैं। तो मैप भी राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इस तरीके से कह सकते हैं कि
शक्ति के उत्थान में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद जागृति का एक दूसरा पहलू, जैसे मायक के बारे में बताया, साइज साइज एंड सेम, साइज एंड सेम इसका है कि जितने भी बड़े देश होते हैं, जैसे भारत एक बहुत बड़ा भूभाग मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है और जनसंख्या की भी दृष्टि से भी है, एक बड़ा देश है, तो सेम एंड साइज इतनी बड़ा होने के नाते भारत पर हमला करने के लिए कोई भी राष्ट्र दुस्साहस नहीं कर सकता है कि भारत बहुत बड़ा देश है और मतलब किस क्षेत्र से भारत के अंदर हमला किया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए राजस्थान सीमा पर अगर शत्रु आता है तो उसके किनारे के सारे हमारी फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगे, अगर गुजरात कच्छ के सीमा पर आता है तो हमारी और सीमा अलर्ट हो जाएगी, प्लस हमारे समुद्री मार्ग हैं और उससे हम शत्रु का बहुत आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। तो आकृति भी जो होती है, शेप एंड साइज जो होता है, ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, राष्ट्र शक्ति को प्रदान करती है। और इसके बाद जो है हम लोग क्लाइमेट के भी बारे में जानेंगे कि चूंकि ये ज्योग्राफी का एक भी पार्ट है कि क्लाइमेट जो है ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि जब बरसात के मौसम हो या विंटर सीजन हो तो उस समय ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है। कारण ये है कि बहुत ज़्यादा अगर बारिश होती है तो जैसे मान लीजिए हमारे जो तटीय ये स्थलीय जो सीमा है, जैसे नेपाल भारत का बॉर्डर अगर हम देख लें तो उसमें जंगल और नदियां हैं मैक्सिमम जगहों पर। जो हमारा 1752 किलोमीटर की जो सीमा है तो उस सीमा पर हम दृष्टिपात करें, ऑब्जर्वेशन करें, या आप लोगों के प्रोजेक्ट वगैरह मान लो बाई चांस अगर करोगे नेपाल में तो आप लोग उस एरिया का एरिया स्टडी, उस एरिया का स्टडी करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर बरसात के दिन में जैसे पानी बरसता है तो उस दिनों में अगर उन क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो आपको भारत और नेपाल की सीमा कहीं दृष्टिगोचर नहीं होगी कि नेपाल कहाँ तक है और भारत कहाँ तक है। मतलब नेपाल की जितनी भी नदियाँ हैं वो करीब करीब 5-6 नदियाँ ऐसी हैं कि जो भारत में आती हैं और वही जो है भारत में जो बाढ़ का जो टिकराव रूप होता है वो सब नेपाल की नदियों के ही द्वारा होता है, चाहे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आए चाहे वो तराई क्षेत्रों में आए। तो जंगल, अच्छा जंगल की वजह से जैसे नेपाल सीमा पे जंगल और नो मैन्स लैंड एरिया जिसको हम 10 गजा जमीन भी बोलते हैं जो नेपाल और भारत के बीच में है, उसमें पानी पूरी तरीके से भर जाता है। तो ये जो क्लाइमेटिक जो चेंज होता है इसके कारण से उन दिनों में मतलब अगर शत्रु हम पर हमला करना चाहे, चाहे मतलब नेपाल में घुसपैठ के माध्यम से चीन ही भारत पर हमला कर सकता है, क्योंकि नेपाल में जब से राजतंत्र समाप्त हुआ है और वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ है तब से जो है भारत जो है नेपाल को लेकर के बहुत अलर्ट रहता है। क्योंकि भारत से नेपाल का ये कहा जाता है कि बेटी रोनी का संबंध है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज के बहुत सारे लोगों की उस बात शादी होती है, उस बात के लोगों की इस बात भी शादी होती है, प्लस नेपाली नागरिक सुबह भारत के बाजारों में आते हैं अपना सामान वान खरीदते हैं, फिर शाम तक लौट जाते हैं, भारत के लोग नेपाल जाते हैं और वहाँ से कुछ जनरल यूज का या डेली यूज का सामान लेके वापस आते हैं। सरकार के लिए भी हो सकता है चेंज, हाँ उस समय चूँकि कारगिल में भी कारगिल युद्ध जो है विंटर सीजन में हुआ था तो उस टाइम भी चूँकि क्लाइमेट की वजह से ही मतलब उसमें दोनों स्थितियाँ होती हैं, क्लाइमेट के चेंजिंग के दौरान अगर वार होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है, छोटे मोटे संघर्ष होते हैं, झड़पें होती हैं, तो उसमें दोनों तरफ से नुकसान होने का चांस भी रहता है। लेकिन एक तरीके से तो दुश्मन जो है तो साहस नहीं करता है, ये हमें क्लाइमेट की वजह से शक्ति प्रदान होती है, लेकिन कभी कभी उसका नुकसान भी होता है क्लाइमेट की वजह से।
फिर इसमें लोकेशन भी है एक पॉइंट, कि आपकी लोकेशन क्या है। लोकेशन का मतलब ये कि जब हम डिफेंस स्टडीज के बारे में जब अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारी स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन में आप ये देखिए कि भारत को जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, भारत को तीन तरफ से खतरा है। जो पश्चिमी सीमा से खतरा है, जो राजस्थान जैसलमेर का एरिया है, बाड़मेर का एरिया है, खतरा है। फिर उत्तरी सीमा से खतरा है और प्लस पूर्वी सीमा से खतरा है। तीन क्षेत्रों से भारत को बहुत खतरा है, जो भारत के जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो कह सकते हैं, स्ट्रैटेजिक जो स्थिति है, जिसमें बांग्लादेश के तरफ से खतरा है और वेस्टर्न सीमा पर राजस्थान की तरफ से खतरा है, और नॉर्थ में तो चीन और पाकिस्तान दोनों से खतरा है। बस इसमें क्लाइमेट ये कार्य की भी है कि जो मतलब जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस संदर्भ में। टोपोग्राफी का भी एक इसमें टोपोग्राफी भी ज्योग्राफिकल एलिमेंट है। इसके अंतर्गत राष्ट्र जो है एक आर्टिफिशियल बाउंड्री का निर्माण करता है राष्ट्रीय शक्ति को मजबूती प्रदान करने के लिए। और इसके बाद लास्ट इसमें है जगह में फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज, अब इसमें कुछ क्षेत्र जो हैं जहां नेचुरल बाउंड्री होती है, जैसे कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे सीमांकन कई जगह पर संभव नहीं हो सका। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल है, और चीन और भारत के मध्य एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो कई जगहों पर जैसे बहुत जगहों पर तो जॉनसन एक थे ब्रिटेन के, उनके द्वारा सीमांकित किया गया था, लेकिन जब 1962 का वार हुआ था उसके बाद चीन जो है जितना हमारा विभाग पर काबिज हो गया था उसी के बाद से वो यथास्थिति बनी, और वही एरिया इस समय वर्तमान में लाइन ऑफ कंट्रोल कंट्रोल है। और जब पाकिस्तान का तो उसी समय के जो कश्मीर का को लेकर के जब युद्ध हुआ था तो उसी समय जो बंटवारा हुआ क्षेत्रों का वो भी अंग्रेज कोई थे, अब नाम हमें नहीं मालूम है, शायद सर रेडक्लिफ थे, तो रेडक्लिफ के द्वारा जो है जो सीमांकन किया गया था, लेकिन पाकिस्तान उसको नहीं मानता है और जॉनसन लाइन को चीन भी नहीं मानता है, और इसीलिए उसने जो अक्साई चीन क्षेत्र है उस भूभाग को जो चीन के सिंजियांग प्रांत से सटे है उसको उसने करीब 1962 में उस क्षेत्र को कब्जा कर लिया था, जिसको लेकर भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद है। अब आते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज सेकंड,
नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन इसमें दो तीन पॉइंट है पढ़ कर प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त है और जैसे लोहा कोयला अभ्रक और जो न्यूक्लियस एनर्जी प्रोडक्शन में जो काम आते हैं जैसे यूरेनियम थोरियम इसका भारत के पास यूरेनियम का भंडारण है और ये थोरियम का भंडारण है और यूरेनियम जो है हम इंपोर्ट करते हैं जो हमारे कुछ देशों से जैसे ऑस्ट्रेलिया से भारत जो है यूरेनियम इंपोर्ट करता है और प्राकृतिक संसाधन जैसा कि जो नेचर द्वारा भारत को एक तरीके से कहा जाए कि वो विरासत मिला है इस देश को मिला है इसमें हम तीन चार पॉइंट को पर फोकस करेंगे रॉ मटेरियल नंबर वन रॉ मटेरियल और नंबर टू फूड नंबर टू क्या था फूड फूड रॉ मटेरियल कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज नंबर वन मिनरल्स कोल पेट्रोल आयरन कॉपर जिंक टिन मैंगनीज यूरेनियम और थोरियम ये मिनरल्स हैं मिनरल्स के पार्ट हैं इसके बाद आता है नेचुरल प्रोडक्ट्स रबर रबर जूट बंबू मेडिसिनल प्लांट्स वुड पल्प वुड प्लांट्स कलर्स वार्निशेस एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स नंबर थर्ड एनिमल प्रोडक्ट्स मिल्क एग मीट वूल हाइड्स फीदर एंड सिल्क्स अब इन सभी प्रोडक्ट्स का औद्योगीकरण के माध्यम से मतलब रॉ मटेरियल जैसे कच्चा माल और इसको हम उद्योगों में ले जाकर इसको हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिससे आप तो जानते होंगे कि जो मिनरल्स हैं उसे हमारे न्यूक्लियर एनर्जी अन्य स्रोतों में यूज़ किया जाता है नेचुरल प्रोडक्ट के लिए हम अन्य जैसे साजो सामान में प्रयोग करते हैं जैसे सैनिकों के साजो सामान प्लस सिविलियंस के भी साजो सामान में प्रयोग करते हैं राष्ट्रीय शक्ति का मतलब हम सिर्फ सेना से ही नहीं उसका को जोड़ के देखते हैं उसको हम अपने देश के लिए अपने कंट्री के लिए अपने कंट्री के लोगों के लिए लाभ के बारे में भी लाभ से ही जोड़ के देखते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स
जो फूड है, एग्स है, फूड है, ये सब जो है स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। जब आपके पास स्वास्थ्य है तो राष्ट्र मजबूत है। अगर बीमारी है, जिस देश के पास ज़्यादा बीमारी है, जैसे कि चीन के पास एक समय ऐसा आया था कि उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से वहाँ पर बूढ़ों की संख्या अत्यधिक हो गई, मतलब 60 ईयर से ये ज़्यादा लोग हो गए, जो चीन को सबसे बड़ा एक अपने जीडीपी का हिस्सा जो है स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना पड़ रहा था। इसलिए चीन ने अपने जो वन चाइल्ड पॉलिसी है उसमें वो परिवर्तन किया। उसके बाद हम लोग फूड पे आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा पॉइंट नोट करूँ सर, इंजीनियर क्या ये क्या है? चलो साढ़े 3 बजे डिपार्टमेंट चल रहा है। आप डिपार्टमेंट जाएंगे कि घर जाएंगे?